मैं अशोक कुमार दुबे मिशन आईएएस की तरफ से आप सभी को पुनः धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने भारत के राष्ट्रीय विद्रोह के बारे में चर्चा किया था, इस एपिसोड में मैं आंदोलन की चर्चा कर रहा हूँ। इस आंदोलन में हमारा सबसे पहला चर्चा होगा, क्योंकि हम अब मॉडर्न हिस्ट्री की ओर आ रहे हैं, तो इसमें हमारा चर्चा होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से शुरू करते हैं। जैसा कि हमें सभी से लोगों को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो बॉम्बे में था वहाँ पर इसका स्थापना हुआ। और उस समय भारत के जो वायसराय थे वह लॉर्ड डफरिन थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन का कह सकते हैं कि यह एक उनकी दिमाग का उपज है, क्योंकि जिस तरह से अंग्रेजों का विरोध हो रहा था, भारतीय और अंग्रेजों के बीच में एक समन्वय नहीं बन रहे थे, तो अंग्रेज की सरकार उस समय के वायसराय को ऐसा लगा कि कुछ ऐसे एक प्लेटफॉर्म का उत्थान किया जाए जिसके द्वारा हम दोनों की बातों को उस स्टेज तक रखा जाए। और वही स्टेज जो था उस स्टेज का नाम पड़ा हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब होता है यूनिट, अ यूनियन ऑफ पीपल, लोगों की समूह। इसकी भी उत्थान जो हुई है उत्तरी अमेरिका के इतिहास से शब्द लिया गया है, उतना हम डीप में भी नहीं जाएंगे, लेकिन चलिए। इसका कारण क्या था कि ब्रिटिश थिंक टैंक की जो एक अवधारणा थी, और उनके अवधारणा के अनुसार हम कह सकते हैं भारतीय जनता और ब्रिटिश सरकार के बीच में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नाम आया है, यह एक बफर संगठन था, साफ शब्दों में कहें तो, और एक बफर संगठन के आधार पर कार्य किया। क्योंकि इसकी साथ बहुत सारी हिस्ट्री रह चुकी है, वो सारी हिस्ट्री पे हम बाद में चर्चा करेंगे। और इसका जो मेन प्रथम जो सम्मेलन हो रहे थे वो फर्स्ट सम्मेलन में टोटल 72, यानी फर्स्ट जो इसका सम्मिशन हुआ था उसमें टोटल 72 लोग एकत्रित हुए थे, इसमें सदस्य एकत्रित हुए थे। सबसे पहला जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन होता है वो 1885 में बॉम्बे में होता है, और उसमें 72 सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। सोच सकते हैं उसमें कितना छोटा यह संगठन था, एक यूनाइट भारत का, जिसमें मात्र 12 सदस्य थे। पहला जो इसका प्रेसिडेंट थे वह डब्ल्यू सी बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, तथा पहला इसका जो मुस्लिम प्रेसिडेंट रहे वह बदरुद्दीन तैयब जी रहे, और यह 1887 के जो मद्रास कांग्रेस सम्मेलन हुआ था उसकी यह अध्यक्षता किए थे। तो 1887 के मद्रास कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, ठीक है, सॉरी 1887 के बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था, जो एक प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट रह चुके हैं। यदि हम बात करते हैं तो प्रथम अंग्रेज जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे उनका नाम था सर जॉर्ज यूले, जो 1888 ईस्वी में अलाहाबाद कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे, ठीक है। अब होता है कि पूछता है कि यंगेस्ट, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सबसे यंगेस्ट जो हमारा प्रेसिडेंट थे वह मौलाना आजाद साहब थे, जिन्होंने 1923 ईस्वी में दिल्ली कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किए। 1923 सबसे पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महिला अध्यक्ष के रूप में नाम आता है एनी बेसेंट का, जो 1917 ईस्वी में कलकत्ता जो कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। लेकिन एनी बेसेंट एक अंग्रेज शासिका थी, एक अंग्रेज मेंबर थी, भारतीय नहीं थी। लेकिन पूर्ण रूप से यदि हम भारतीय बात करते हैं तो भारत के प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा सरोजिनी नायडू 1985 ईस्वी में 1925 ईस्वी में सॉरी 1925 ईस्वी में कानपुर की अध्यक्षता की। गांधी जी 1915 में भारत आए, जब उन्होंने 15 में आए तो उनके जो गुरु थे, राजनीतिक गुरु, उन्होंने कहा कि अभी आप भारत के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, सबसे पहले तो बात यह आती है, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बता देता हूँ, ये हिस्ट्री थोड़ा याद रखने की चीज है, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी के जो दोस्त गुरु थे, राजनीतिक पॉलिटिकल जो गुरु कह सकते हैं, वो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, और गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी जी के एक बहुत अच्छे दोस्त जिसका नाम था चार्ल्स फ्रीवर एंड्रयूज, ये दोनों की बुलावा पर ही गांधी जी ने 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत साउथ अफ्रीका से आए थे। इसकी हम इतिहास बाद में ऐसे रखेंगे।
और जब उन्होंने भारत में आए तो उनको गांधी जी को नहीं पता था कि भारत में अभी रियली है क्या। तो उनके राजनीति गुरु ने कहा कि आप पहले भारत की पूरा भ्रमण करो 1 साल, और वही 1 साल कंप्लीट भ्रमण करने के बाद उन्होंने 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में सबसे पहले साबरमती आश्रम का उन्होंने निर्माण किया। तो इतिहास कहता है कि जब 1901 ईस्वी में, ऐसे गांधी जी 1915 में भारत आए, लेकिन 1901 ईस्वी के समय में महात्मा गांधी भारत में ही थे। उस समय उन्होंने गांधी नगर से कलकत्ता आ गए थे। उस समय कलकत्ता में जो कांग्रेस की जो अधिवेशन हो रहा था, 1901 की मैं बात कर रहा हूँ, 1901 में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे, उनका नाम था, आपको नाम मैं बता देता हूँ, उनका नाम था दिनसा वाचा। ठीक है, दिनसा वाचा, यानी 1901 ईस्वी में गांधी जी ने सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया। लेकिन पूर्ण रूप से यदि बात करें तो 1921 ईस्वी में गांधी जी ने कांग्रेस ज्वाइन किया। और एक पहला इतिहास होता है कि 1924 ईस्वी में गांधी जी अध्यक्षता भी कर चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव। 1924 में जो बेलगांव की कांग्रेस सम्मेलन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की है। हम सेशन वाइज यदि बात करते हैं तो यह प्रथम कांग्रेस का सम्मेलन रहा जो 1929 ईस्वी में लाहौर में हुआ, और उसमें ही सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। यदि हम वंदे मातरम की बात करते हैं तो वंदे मातरम 1896 ईस्वी में एक कलकत्ता कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, सम्मेलन हुई थी। तो 1896 के कलकत्ता कांग्रेस कॉन्फ्रेंस सम्मेलन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया, तथा 1911 ईस्वी अगेन कलकत्ता कॉन्फ्रेंस में जनगण मन को गाया गया। इसके पीछे बहुत सारे इतिहास रहा। जैसे जब हम इस पे बात करेंगे तो ऐसे भी हम थोड़ा सा बता दूं, जैसे जब 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हो गया, 1906 में सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। स्वदेशी आंदोलन शुरू करने वाले तीन थे, लाल बाल और पाल। कांग्रेस का विघटन 1907 ईस्वी में सूरत में हो जाता है, और विघटन करने वाले दो थे, एक मॉडरेट्स थे और एक एक्सट्रीमिस्ट थे, यानी जिसको एक नरम दल कहते हैं एक गरम दल कहते हैं। तो नरम दल के जो नेता थे उस समय और गरम दल के नेता, ये दोनों में कहीं ना कहीं समन्वय नहीं हो रही थी, क्योंकि गरम दल वाले को ये पता था कि कभी भी अंग्रेज हमें मैत्रीपूर्ण हमें स्वतंत्रता नहीं देगी, और नरम दल को ऐसा लगता था कि नहीं मुझे दे देंगे। ये दोनों में समन्वय न होने के कारण अंततः क्या हुआ कि उस समय जब बंगाल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था, स्प्लिट कर दिए जा रहे थे, पार्टीशन किया गया था बंगाल को, तो उस समय भी ये फूट डालो राज करो की नीति है। इसको हम आगे ऐसे वीडियो बनाने वाले हैं, इस पे स्पष्ट आपको बहुत सारी फीचर को बताऊंगा। तो उस समय वहां की महारानी मर चुकी थी, और वहां के नया जो सम्राट राजा बनने वाले थे वह जॉर्ज पंचम थे, किंग जॉर्ज पंचम। और वो कहे कि नहीं भाई, हमें भारत में ही राज्याभिषेक किया जाए। उस समय के जो यहाँ के वाइस रहे थे हडिंगे, उन्होंने कहा कि ठीक है। लेकिन उस समय वो खुला एक जो समारोह हो रहा था और कलकत्ता में विद्रोह हो रहे थे, तो उस समय के भारत के जो वायस राय थे उनको ऐसा महसूस हुआ कि बंगाल में हम कैसे इनका वो राज्याभिषेक करेंगे, वहां तो विद्रोह चल रहे हैं हमारे अगेंस्ट। तो उसी समय, वही 1911 का दशक होता है जब कलकत्ता से भारत की राजधानी को दिल्ली कर दी जाती है, और लॉर्ड जॉर्ज पंचम को दिल्ली दरबार में बुलाहट होती है। इसको और हम बहुत डीप बताने वाला हूँ, लेकिन अभी इस कांग्रेस के बाद, कांग्रेस पहले हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बताया कि वंदे मातरम 1896 ईस्वी जो कलकत्ता कांग्रेस सम्मेलन हो रही थी उसमें सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया, तथा वही 1911 के जो हमने अभी थोड़ा सा इतिहास बताया ये भी कलकत्ता में हुआ था। यहाँ पर जनगण मन अधिनायक जय है गान गाए गए। कांग्रेस का स्प्लिट अभी हमने बताया, कांग्रेस विभाजन हो गया था दो भागों में 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में, गरम दल और नरम दल। और कांग्रेस को रीयूनाइट भी किया गया, रीयूनियन भी किया गया, दोनों को आपस में जोड़े भी गए। और वह जोड़ने का काम जो हुआ था वह 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में किया गया था, यानी दोनों दल एकजुट भी हुए। तो यह कार्य हुआ 1916 का लखनऊ में। और 1917 में आपको पता ही है कि बिहार में
नील विद्रोह, तिनकठिया प्रणाली, गांधी जी का आगमन भी हुआ। और यही 1916 का लखनऊ अधिवेशन था जिसमें बिहार से राजकुमार शुक्ल जी ने महात्मा गांधी की उपस्थिति के बारे में उनको पता चला और उन्होंने वहां पर जाकर के महात्मा गांधी जी को बिहार आने का उन्होंने न्योता दिया था और गांधी जी ने स्वीकार कर लिए थे। यही पहला इतिहास आता है। उसके बाद जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो स्वतंत्र भारत का हम कह सकते हैं, स्वतंत्रता के समय कह सकते हैं, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री, कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट थे वह आचार्य जेवी कृपलानी थे। इस तरह से कांग्रेस का विकास हुआ देश में। तो ये हमारा रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्ट्री रखें जिससे रिलेटेड हमारा अभी तक एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद भी मैं थोड़ा सा एक और टॉपिक को चर्चा कर देता हूँ जो एग्जाम में पूछा है, खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन हमारा 1919 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसकी जो मुख्य भूमिका में थे वह शौकत अली यानी अली बंधु कहा जाता है, जैसे शौकत अली साहब थे, मोहम्मद अली थे तथा अबुल कलाम आजाद जी थे खिलाफत आंदोलन। कारण था कि इस आंदोलन को शुरू करने के पीछे मेन जो मकसद थी वह मकसद था कि ब्रिटिश सरकार जो थी वह तुर्की के जो खलीफा थे के अधिकार को संरक्षित करना चाहता था और करने के लिए उन पर दबाव बनाना चाह रहा था, जो कि आगे हमारा हिस्ट्री ये भी आता है कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो था उसके समय में उनके रीजे में लगभग 1924 ईस्वी के दशक आता है, अंततः एक खलीफा का पद समाप्त हो जाती है। खिलाफत आंदोलन भारत के यदि मुख्य रूप से देखा जाए तो मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया एक राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। देखा जाए तो इस आंदोलन का जो मुख्य ऑब्जेक्टिव्स था, जो उद्देश्य था, वह था कि सुन्नी जो इस्लाम थे, सुन्नी जो मुसलमान थे, के मुखिया माने जाने वाले जो तुर्की के खलीफा थे उनके पद को पुनः स्थापना करना और करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा जो पर दबाव बना देना, ये मुख्य उद्देश्य रहा। लेकिन सन 1924 ईस्वी में मुस्तफा कमाल पाशा के खिलाफ पद को समाप्त कर दिया गया और पद समाप्त कर देने के बाद या अपने आप हम कह सकते हैं समाप्त हो गया। फिर होता है हमारा दिल्ली विधानसभा बम विस्फोट। दिल्ली विधानसभा बम विस्फोट 1929 ईस्वी में हुआ और इसमें मुख्य रूप से जो थे वह भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त। सोचने वाली बात है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ये दोनों का ये बम फेंकने के पीछे रीजन ये नहीं थे